हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। मैं भी जहाँ तक कि ठीक हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पे तारा डेली फैमिली ब्लॉग। तो आप लोग कमेंट प्यारा प्यारा कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हो। और बाकी आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की की, जब माँ बाप उसके शादी करते हैं तो वो दहेज कितना देते हैं, कैसे देते हैं, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं। तो मैं, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जो भी बात करती हूँ वो अपने ऊपर डिपेंड वाली बात करती हूँ, जो कि ये मेरे से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो वैसे तो हर किसी के माँ बाप ऐसा करते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल का डेट ऐसा है कि कोई माँ बाप ना चाह के भी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता है। तो यही बात है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और हमारे माँ बाप इतने अच्छे और इतने भले होते हैं, भगवान के समान होते हैं, जो कि मतलब हमारी सारी शौक हम तो नहीं कहते बट वो खुद करते हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस ना हो समाज के सामने जब वो अपने बेटी को ब्याहें तो उनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए वो सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हर किसी के माँ बाप ही सोचते हैं कि मेरी बेटी अभी तक जैसी भी रही कोई बात नहीं, लेकिन आगे वो खुश रहे, अपना खुशहाल ज़िंदगी अपने पति के साथ व्यतीत करे। तो बात यही है कि बहुत लोग के माँ बाप ऐसा कर चुके होंगे और अभी करने वाले होंगे, जिनकी जिनकी शादियाँ अभी होने वाली हैं। तो मेरे माँ बाप के पास भी, जैसे मैंने बोला है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, जो कि आप लोग को पता ही है, मेरा वीडियो जो रेगुलर देखता हो उन्हें पता होगा। तो वही मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, थे, क्या बोलूँ, हैं, सॉरी, हैं। तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके, मैं पहली बेटी हूँ, मतलब बड़ी बेटी हूँ, तो उन्होंने मेरा शादी किया। शादी करने के बाद उन्होंने, उनके पास जो हो पाया वो उन्होंने दहेज मेरे को दिया है। मतलब अब हर किसी की शादी में तो पता ही है कि थोड़ा मोड़ा कर्जा होता ही होता है, तो मेरे माँ बाप के ऊपर भी कर्जा था जो कि अभी भर चुके हैं वो जैसे तैसे। तो मेरे माँ बाप ने भी बहुत बहुत मतलब इकट्ठे कर करके पैसे, उन्होंने अपना खाना पीना नहीं देखा, मतलब नमक रोटी जो बोलते हैं ना किसी किसी का हो जाता है, जैसे कि हम लोग खा चुके हैं, खा रखे हैं। तो नमक रोटी खा के मेरे पापा ने मेरे शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए, तब मेरी शादी हुई। एक एक पैसा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को पता ही होगा, जो अमीर होंगे उनको तो एकदम से आ जाता है, सारे पैसे उनके पास रखे होते हैं, और जो गरीब होता है उन्हें एक साल क्या 5-6 साल से पहले जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उन्हें तब से ही वो सोचने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को आगे चल के क्या करेंगे, कैसे, मतलब उनकी दुनिया कैसे बसाएंगे, तो इन्हीं सोच में वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसे मेरे पापा भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, फिर शादी किया, दहेज दिया। आपने यहाँ तक कि वीडियो में ही देखा होगा कि कितने पापा ऐसे होते हैं जो बेटियों के ब्याहते हैं जब, तो वो अपने कपड़े पहनने भूल जाते हैं, मतलब जो नया, पता ही है, त्यौहार में या तो कुछ फंक्शन में लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो जो दुल्हन के पापा होते हैं वो कपड़े पहनने भूल जाते हैं। और ऐसे ही मेरे शादी में भी हुआ था, मेरे पापा ने सुबह से एक ही कपड़ा पहन रखा था जो कि बहुत पुराना था, उन्हें काम का इतना टेंशन था कि वो कपड़ा भी चेंज करना भूल गए थे। तो बहुत मतलब ऐसी कंडीशन है बहुत ख़राब जो कि मैंने फेस किया है, और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोग से, बार बार कहती हूँ एक ही बात कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए और अपने बच्चे हस्बैंड के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि ऐसा रिवाज भगवान ने बनाया क्यों है कि मतलब किसी को दहेज देना, या फिर खुद तो वो कभी बेड में नहीं सोए, खुद उन्होंने कभी अलमारी नहीं देखा, खुद उन्होंने कभी ड्रेसिंग नहीं देखा जो कि आप लोग जानते होंगे, और बाकी सारा चीज़ मतलब जो भी आता है ये दहेज के सामान में, उन्होंने मेरी सारी मतलब मेरे को सारा चीज़ दिया है, तो उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखा, वो इस चीज़ में रहे भी नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं और ऐसा मतलब रीति रिवाज क्यों बनाया गया है, सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। जो अपने माँ बाप से प्यार करते होंगे वो ज़रूर ये सोचेंगे कि हाँ ये बात तो सच है कि माँ बाप खुद कभी ये सब शौक़ अपने पूरे नहीं किए लेकिन अपने बेटी के लिए ये शौक़ पूरा कर रहे हैं। तो वही मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक माँ बाप अपने बेटी बेटी के लिए या बेटे के लिए कितना सोचता है, मतलब भूखे रहता है, प्यासे रहता है, लेकिन दिन भर धूप में, बारिश में, ठंड में काम करता है, एक एक रुपये इकट्ठा करता है, तो उनको खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, घुमाता है, फिर उनका
शादी का नंबर आता है तो वो शादी करके लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, और कितने लड़के ऐसे होते हैं जो माँ बाप को खुश रखते हैं लेकिन कितने ज़्यादा आजकल देखे जा रहे हैं कि अपने माँ बाप को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। तो ऐसा मैंने भी फेस किया है, मैंने भी देखा है कितनी बार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनके माँ बाप मेरे जैसे हैं कि मतलब अपने शौक़ ख़त्म करके अपने बेटी के लिए उन्होंने किया हो कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि किनके माँ बाप ऐसे हैं। वैसे तो मुझे पता है फाइनली सबके ही माँ बाप ऐसे होंगे, क्योंकि किसी के भी माँ बाप इतने बेदर्द नहीं होते हैं जो अपने बेटी को ऐसी भेज दे। वो कहते नहीं, आजकल दहेज बेचांसी कोई मांगता है लेकिन मांगता नहीं है, लेकिन माँ बाप अपने खुशी के लिए वो हमें खुश देखेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, ऐसा वाला डिसीजन हो जाता है। तो इसीलिए वो दहेज देते हैं अपने बेटी को ताकि मेरी बेटी आगे खुश रहे। तो मेरे माँ बाप ने भी जितना हो पाया उनसे मेरे को बहुत चीज़ दी है, मेरे लिए तो बहुत है, आप लोग के लिए पता नहीं होगा या नहीं, मेरे लिए बहुत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी अपने पापा मम्मी को घर में देखना चाहती हूँ, अच्छे घर में, उन्हें खेत में काम करता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि काम करने में मुझे पता है, एक मिनट, तो सॉरी मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी। जैसे कि आप लोग तो पता ही कि मेरा छोटा सा बेबी है तो वो अभी रोने लगा है काफ़ी देर से, मैंने शॉर्ट वीडियो जब तक शूट किए हैं तब तक वो सोया था, बेबी उठा है तो अब उसे फीडिंग करवानी है, तो वीडियो यहीं तक करते हैं एंड। और बाकी मेरी कोई भी बातें आप लोग गलत लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उस चीज़ को सुधार करूं अपने आप को। और बाकी तो प्लीज़ मुझे बताना कि किनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कमेंट बॉक्स में भर देना भी कमेंट्स है, क्योंकि सबके माँ बाप होते हैं, ऐसे किसी के भी कोई भी नहीं है जिनके माँ बाप नहीं है। बाय बाय, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।